बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कैसे हैं आप? अल्लाह के फजल व करम से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे, खुश रखे, बाद रखे, आजमाइशों से बचाए, बीमारी से बचाए। आमीन। तो आज हम क्या बनाने वाले हैं ये भी बता देते हैं आपको, और कहाँ बना रहे हैं ये भी बता देते हैं। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा पुलाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज हम मम्मी के घर हैं तो सोचा कि क्यों ना कुकिंग की जाए और बाबी को जो है वो आज छुट्टी का मौका दिया जाए। आज का पुलाव बहुत स्पेशल है, बहुत खास है, लेकिन है एकदम सिंपल। तो यहाँ हम सबसे पहले घी शामिल कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो घी के गर्म होने तक हम जल्दी से अदरक की ग्राइंडिंग कर लेंगे। यहाँ तकरीबन मैंने 2 इंच जो है वो अदरक ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज हम बना रहे हैं पाकिस्तान का बहुत ही खास फेमस पुलाव। ऑयल यहाँ गर्म हो चुका है, हम इसमें शामिल कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज, तो प्याज शामिल करने के बाद हम यहाँ टेस्ट के मुताबिक नमक शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, अभी हम प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। गोश्त को हमने यहाँ जो है वो पका लिया था, इसके अच्छी तरह से ब्राउन होने तक कुछ इस तरह से कलरिंग ले आनी है आपने। गोश्त भी इतना पकाना है आपने इसको कि पानी भी ड्राई हो जाए और इस पर कुछ रेडिश रेडिश ब्राउन जो है वो कलर आ जाए, जिससे आपका जो है वो गोल्डन सा कलर आएगा। तो फिर आप इसको ऑफ कर लीजिएगा। आज को हमने गोल्डन ब्राउन कर लिया, अभी हम यहाँ शामिल कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर, तो टमाटर शामिल करने के बाद तकरीबन आपने इसको 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है घी में। बाद हम यहाँ शामिल कर रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अदरक क्रश किया हुआ, तकरीबन 3 खाने के चम्मच जो आपने अदरक को शामिल कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी के साथ हम लेंगे लहसुन, तकरीबन आपने 20 से 25 जो है वो इसके जो ले लेने हैं, यानी कि कलियां ले लेनी है और इसको आपने क्रश कर लेना है। लेमन आप लेने आ गए? लेमन आपका जूता किधर है? इसको भी आपने हल्के से क्रश कर लेना है। उसके बाद इसको भी ले चलेंगे हम पतीले में। साथ हम ये शामिल कर रहे हैं और काली मिर्च, तकरीबन आपने 10 अदद काली मिर्च ले लेनी है और जीरा साबत ले लेना है तकरीबन 2 खाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी के साथ हम ये शामिल कर रहे हैं सब्ज मिर्च। सब्ज मिर्च को आपने कुछ इस तरह से काट लेना है, 2 बराबर हिस्सों में मिर्च से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो सही नज़र आ रहा है आपको? तो इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। सारी मिर्चियों की कुछ इसी तरह से मैंने कटिंग कर ली है। तो तकरीबन आपने 10 अदद यहाँ सब्ज मिर्च लेनी है। बिस्मिल्लाह। तो
सादा मिर्ची के साथ हम यहाँ शामिल कर रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोटी कुटी लाल मिर्च तकरीबन 2 खाने के चम्मच बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस स्टेज पे आकर आपने पानी शामिल कर देना है, पानी आपने चावलों के मुताबिक लेना है। चावल हमने दो लिए थे तकरीबन 10 मिनट पहले कुकिंग स्टार्ट करने से, और अभी चावलों के मुताबिक पानी शामिल कर देंगे। तो चावलों के मुताबिक पानी शामिल करने के बाद आपने यहाँ नमक शामिल कर लेना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो कि आपके चावलों के मुताबिक होना चाहिए। और जब आप गोश्त को बॉयल कर रहे हो तो उस दौरान आपने जो है वो नमक जरूर शामिल कर लेना, ताकि गोश्त में जो है एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और गोश्त के अंदर तक जो है वो एक नमकीनपन आ जाए। तो यहाँ हमने कुछ ऐसे ही किया था और अभी हम इसको कवर करते हैं बिस्मिल्लाह, और पानी के जोश आने तक इंतज़ार करना। तो पानी को अच्छे से जोश आ चुका है और अभी हम इसमें शामिल कर लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गोल्डन किया हुआ गोश्त। गोश्त शामिल करने के बाद आपने अच्छे से जोश आने देना है। इसको अभी हम दोबारा से कवर करेंगे और तकरीबन हम इसको 2 से 3 मिनट तक जोश में पका लेंगे। तो अभी हम इसमें शामिल कर लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चावल। ओ नो, फातिमा गंदी बच्ची, अच्छी बच्ची है ना फातिमा जी। फातिमा बिल्कुल मामा को तंग नहीं करती हैं, बहुत अच्छी बच्ची है मामा तो। करने के बाद आपने चम्मच को चला लेना है अच्छे से एक दफा, लेकिन एहतियात रहे कि यहाँ चावल बिल्कुल भी टूटना नहीं चाहिए। उसके बाद आपने नमक टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लेना है, जितना आपके टेस्ट के मुताबिक नमक ठीक है नहीं ठीक उसको आपने सेट कर लेना है। और अभी हम इसको कवर कर दें। और चावल की अच्छी तरह जोश आने तक इंतजार करना होगा। तो चावल को यहाँ जोश आ चुका है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम एक दफ़ा चम्मच चला लेंगे ताकि मसाला जहाँ एकदम बैलेंस हो। चम्मच हमने चला लिया, अभी हम इसको दोबारा से कवर कर देंगे। तो अभी हम आंच को स्लो कर देंगे और इसको दम पे पकाएंगे, यानी कि लो आंच पे हम इसको पकाएंगे इसका पानी खुश्क होने तक और चावल किसी तरह से पकने तक। तो इंतज़ार ख़त्म हुआ, अभी देखते हैं जी चावल माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितने अच्छे बने हैं, एकदम बिखरे हुए निखरे हुए। तो अभी हम एक दफ़ा इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो यहाँ चावल डिश में आ चुके हैं और कलर कम्बिनेशन से ही आप आइडिया लगा सकते हैं कितने अच्छे माशाल्लाह से चावल बने हैं और मसाला जात कितने एकदम बैलेंस हैं। और ये बिल्कुल सिंपल से मसाला जाते हैं जो कि हर घर में अवेलेबल होते हैं, तो फिर आप भी ये पुलाव बना सकते हैं घर में बैठे बैठे, और वो भी आसान तरीन तरीके से लिमिटेड मसाला जात के साथ। आज की हमारी स्पेशल रेसिपी इसी के साथ हमें चल दीजिए। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ढेर सारी दुआओं के साथ और आज की स्पेशल पुलाव के साथ हम बोलते हैं आपको आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह।